एचआर, आज हम बात करेंगे नी रिप्लेसमेंट के बारे में। क्यों वो इतना पॉपुलर हो रहा है, क्यों उसकी आवश्यकता है आज के टाइम में इतनी बढ़ गई है और क्यों हम उसके बारे में आज बात कर रहे हैं। नी रिप्लेसमेंट शुरू हुआ 90s में और वो इसलिए शुरू हुआ क्योंकि जो लोग एज हो रहे थे 60 के प्लस, उन लोगों को अपनी दिनचर्या की एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम आ रही थी, चलने फिरने में, अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ करने में। तो इसीलिए इस नी रिप्लेसमेंट का आविष्कार हुआ और पिछले 30 सालों में इतना एडवांसमेंट हो गया है उसमें कि नाउ इट हैज़ बिकम अ कॉमन थिंग। और आज जो भी लोग अपने दिनचर्या की एक्टिविटीज़ अपने घुटनों की वजह से नहीं कर पाते हैं, वो ये सॉल्यूशन अपना सकते हैं ताकि उनकी लाइफ, उनका लाइफस्टाइल बेटर हो सके। नी रिप्लेसमेंट में यूजली 50-60 ईयर्स की एज में हमें आवश्यकता पड़ती है, जब हमारा घुटने का कार्टिलेज या आर्टिकुलर सरफेस जो है वो डैमेज हो जाता है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये कोई बीमारी है, इट इज़ अ एजिंग प्रोसेस। जैसे हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, हमें मोतियाबिंदु होता है, उसी तरह हमें घुटने की कार्टिलेज भी घिसती है विद एज। किसी की जल्दी घिसती है एट द एज ऑफ 50-55, किसी की देर से होती है 60-65। दैट इज़ ऑल जेनेटिकली लिंक्ड। उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये इस कारण से हुआ या उस कारण से हुआ। हाँ, वेट इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से कार्टिलेज जल्दी या देर से घिसता है। तो वेट अगर हम कंट्रोल करेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो डेफिनेटली हम इस एजिंग प्रोसेस को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। और अगर हमारा जो ईटिंग हैबिट्स है और एक्सरसाइज शेड्यूल नहीं है, तो यही चीज़ आर्टिकुलर कार्टिलेज हमारा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और जब ये आर्टिकुलर कार्टिलेज ख़त्म होता है तो उसके बाद जो रॉ बोन है वो आपस में टकराती है और दर्द पैदा करती है। तो हमें सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, बैठ के उठना, चलना फिरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और हमेशा दर्द करता रहता है। हम ये महसूस करते हैं कि जब हम लेटे हुए हैं, जब हम बैठे हुए हैं, तब हमारे कोई दर्द नहीं है, और जब हम चल रहे हैं, बैठ के उठ रहे हैं या सीढ़ियाँ चढ़ उतर रहे हैं, तब हमारे घुटने में ज़्यादा दर्द है। वो इसलिए क्योंकि आर्टिकुलर कार्टिलेज हमारा घिस चुका है और रॉ बोन एक दूसरे से रगस खा रही हैं और दर्द पैदा कर रही हैं। अब इस स्टेज में हमें कब नी रिप्लेसमेंट कराना चाहिए? मान लीजिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर एक्सरे कराता है, वेट बेयरिंग एक्सरे, उसमें देखता है कि आर्टिकुलर कार्टिलेज 100% डैमेज हो गई है, बोन आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट चिपकी हुई है। उस केस में बोन की रॉ सरफेस एक दूसरे से रगस खा रही है। वो जिस तरह एक रंदा हम चलाते हैं लकड़ी के ऊपर, उसी तरह वो बोन आपस में रगस खा खा के एक दूसरे को घिसती रहती हैं। तो अगर हम उसको नहीं करते हैं, नी रिप्लेसमेंट की तरफ नहीं जाते हैं, तो हमारे पैर में टेढ़ापन और उस रगस से बोन का डैमेज बढ़ता रहेगा विद टाइम, और लिगामेंट्स और ज़्यादा डैमेज होते रहेंगे। तो जब ऐसी स्टेज आ जाए और उसकी शुरुआत हो जाए, तो हमें नी रिप्लेसमेंट करवा लेना चाहिए, क्योंकि बिना नी रिप्लेसमेंट के दवाइयों से या किसी भी चीज़ से वो आर्टिकुलर कार्टिलेज वापस नहीं आ सकता, और हम उस डैमेज को बढ़ाते रहेंगे और हमारी परेशानियां ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती रहेंगी। एक चादर कभी जब फट जाती है, उसको हम तुरंत सिल लें तो उसके रिजल्ट्स बेटर होते हैं, और जब हम उसको बिल्कुल चिथड़े हो जाएं और उसको रफू करने की कोशिश करें, तो उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं होते। तो अगर इंडिकेशन हो गया है और आपके डॉक्टर ये सलाह कर रहे हैं, दे रहे हैं आपको कि इसका नी रिप्लेसमेंट हो जाना चाहिए, तो उसके बारे में आपको सीरियसली सोचना चाहिए और उसको करा लेना चाहिए। नी रिप्लेसमेंट आज की तारीख में उतनी बहुत बड़ी सर्जरी नहीं रह गई है। आज इस देश में मुझे लगता है हज़ारों लोग नी रिप्लेसमेंट डिफरेंट सेंटर्स पे करा रहे हैं और उसके रिजल्ट्स भी उतने ही अच्छे हैं। आज से 10 साल बाद ये इतना ही कॉमन हो जाएगा जैसे आज की तारीख में लोग गॉल ब्लैडर कराते हैं। तो हमें जितना इसका डर है वो निकाल देना चाहिए अपने दिमाग से, अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, सारी चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए, एंड उसको वी शुड गो फॉर इट। इट्स अ सेफ सर्जरी एंड इट हैज़ गॉट अ गुड रिजल्ट। इस सेंचुरी की दो सबसे बड़ी सर्जरी हैं जो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, वो है एक स्टेंट जो कि कार्डियक हार्ट अटैक में हम लगाते हैं, और दूसरा है नी रिप्लेसमेंट। इससे आदमी की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव हो जाती है। पिछले कुछ दशकों में हमारा जो एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो बढ़ गई है। इसी वजह से लोग बहुत ज़्यादा उम्र तक काम और एक्टिव रहना चाहते हैं,
उसके लिए ये नी रिप्लेसमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है।